दोस्तों, आपने काउंटर एप्लीकेशन का नाम जरूरी सुना होगा और आपने कभी सोचा होगा किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं और कैसे जावास्क्रिप्ट एंड एवरी कोड एचटीएमएल सीएसएस कोड को लिखते हैं। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल कोड सीक्रेट पे। और आज की इस वीडियो में उपस्थित हुआ हूँ सिमिलर एप्लीकेशन के साथ, जहाँ पर अपन डिज़ाइन कर रहे होंगे काउंटर एप्लीकेशन, काइंड ऑफ रियल एप्लीकेशन जो होने वाला है। प्लस बटन पे क्लिक करने पे वैल्यू इंक्रीज होगी, माइनस पे क्लिक करने पे डिक्रीज होगी। बट इसके पीछे कुछ लॉजिक्स हैं, जो लॉजिक हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हमने लिखा हुआ है, क्योंकि आपको पता है जावास्क्रिप्ट किस तरीके की लैंग्वेज, डायनेमिकली अपन डॉम मैनिपुलेशन कर रहे होंगे और वैल्यू को चेंज कर रहे होंगे। तो हमारे पास स्क्रीन में आपको ये एप्लीकेशन दिख रही होगी, जहाँ पर टॉप में इस एप्लीकेशन का नाम, ये नंबर शो हो रहा है और दो बटन है अपने पास। इस बटन पे क्लिक करने पे वैल्यू अपने पास इंक्रीज होते जा रही है और इस बटन पे वैल्यू डिक्रीज होते जा रही है, बट जीरो से नीचे अपन नहीं ले जाएंगे, क्योंकि काउंटर में अपन जीरो से नीचे नहीं ले जाने वाले, जीरो तक ही वैल्यू को अपन एज्यूम करते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। उससे पहले मैं आपसे यही एक्सपेक्ट करूँगा कि आपको बहुत ही बेसिक नॉलेज है HTML, CSS एंड JavaScript की। दोस्तों, ये सीरीज है HTML, CSS एंड JavaScript के प्रोजेक्ट्स की, जहाँ पे मैं बहुत सारे वेब एप्लीकेशन में डिज़ाइन करता हूँ काइंड ऑफ क्रिएटिव, जिससे आपकी अलग अलग अंडरस्टैंडिंग बनते जाती है, अलग अलग चीज़ों को कैसे यूज़ करते हैं, एलिमेंट्स एंड फंक्शंस, लूप, एवरीथिंग, लॉट्स ऑफ थिंग्स जो मैं यहाँ पे अप्लाई करके दिखाता हूँ आप लोगों को। मैं उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और अभी आई बटन पे भी आपको टॉप राइट पे आपको शो हो रहा होगा, तो वहाँ से क्लिक करके उसे चेकआउट कर दें। एंड मीन वाइल इन द वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि वो मैं कौन सी वीडियो की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए अपने को तीन फाइल की ज़रूरत पड़ेगी, HTML, CSS एंड JavaScript की फाइल। मैं एक ही HTML फाइल में सारे कोड को लिख सकता हूँ, बट मैं ये नहीं चाहता हूँ कि ये मैशअप हो जाए और आपको समझने में दिक्कत आए। तो मैं ले चलता हूँ आपको HTML फाइल में, जहाँ पे मैंने आपको लेआउट समझा दिया कि अपने पास एक हेडर है, फिर अपने पास ये नंबर के लिए पैराग्राफ है एंड दो बटन है। तो ये आपको डिज़ाइन समझ में आ गई होगी। अब ले चलता हूँ मैं आपको HTML फाइल में, जहाँ पे मैं बॉयलर कोड के लिए मैं शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ, एक्सक्लेमेशन मार्क और एंटर हिट करूँगा, अपने पास ये बॉयलर कोड मिल जाएगा। और टाइटल में मैं इस एप्लीकेशन का नाम लिख देता हूँ, यहाँ पर लिखने होने वाला है एप्लीकेशन काउंटर ऐप। ऑलराइट, उससे पहले मैं क्या करूँगा दोस्तों कि मैं अभी CSS फाइल को ऐड कर लेता हूँ, style.css फाइल हमने नाम लिखा हुआ, यहाँ आप देख पा रहे होंगे मैंने ऐड कर लिया। लेआउट तो हमने समझ लिया है, अब इस लेआउट के अकॉर्डिंग ही अपन क्या करेंगे दोस्तों, डिज़ाइन करते हैं। तो अपने पास एक div होगा बॉक्स, जिसकी क्लास क्या होने वाली है, तो कंटेनर। एक कंटेनर अपन डिज़ाइन कर रहे हैं, कंटेनर के अंदर ही, उसके अंदर ही अपन बाकी के जितने एलिमेंट्स हैं उसको रखने वाले हैं। तो अपने पास तो ये अपने पास ये कोड नहीं है, मैं यहाँ हूँ, ठीक है, डिव अपने पास। और इसके अंदर क्या है कि एक हेडिंग टैग है, हेडिंग टैग में क्या है दोस्तों, तो एक काउंटर ऐप जो हेडिंग का नाम है वो यहाँ पे शो हो रहा है। ऑलराइट, मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ ताकि आपको ये दिखता रहे, ठीक है। अब दूसरी डिव भी अपने पास, इस डिव का क्लास क्या है, तो काउंटर, ठीक है। इस डिव के अंदर अपन क्या रखने वाले हैं, काउंटर के एलिमेंट्स। तो स्पैन, इसकी आईडी अभी के लिए वैल्यू स्टार्टिंग वैल्यू जीरो दे देंगे और आईडी डाल देते हैं, ताकि आईडी से अपन इस स्पैन को गेट करेंगे और फिर क्या करेंगे दोस्तों, इसकी वैल्यू डायनेमिकली चेंज करेंगे जिस प्रकार अपन बटन पे क्लिक करते जाएंगे। एक और अपन डिव लेते हैं, इसकी क्लास क्या कर देते हैं दोस्तों, तो बटन्स मैं लिखता हूँ, क्योंकि दो बटन एक सीरीज में अपने पास है ना, तो वो मैं डाल देता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे क्या होने वाला है, बटन। एक चीज़ और दोस्तों, ये जितने कोड मैं लिख रहा हूँ, जो भी HTML, CSS एंड JavaScript, वो मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड करूँगा, GitHub का लिंक, वहाँ से आप कॉपी कर लेना कोड या कोड डाउनलोड कर लेना, उसकी दिक्कत नहीं है, उसकी टेंशन मत लो आप। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, बटन। तो यहाँ पे बटन होने वाला है दोस्तों प्लस बटन, है ना। और ये एक और बटन अपन कॉपी करेंगे, है ना, कॉपी करके मैं पेस्ट करता हूँ, तो ये बटन होने वाला है माइनस बटन, मतलब डिक्रीमेंट करने के लिए। एक चीज़ और, अभी के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, मैं यहाँ पे एक ऑन क्लिक फंक्शन यहाँ पे लगाऊंगा, है ना दोस्तों। ऑन क्लिक फंक्शन में क्या होने वाला है, तो इंक्रीमेंट एक फंक्शन मैं जावास्क्रिप्ट फाइल में तैयार करूँगा, जो मैं इस बटन पे क्लिक होने पे कॉल कर दूंगा। और यहाँ पे ऑन क्लिक करके क्या होने वाला है, डिक्रीमेंट फंक्शन को मैं कॉल करूँगा, ताकि जब डिक्रीमेंट फंक्शन पे अपन बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो वैल्यू डिक्रीज होते जा रही है, इतना ही। और ये अपने पास क्लास है, देख पा रहे होंगे, मैं इसको एक्सपेंड कर लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ, बटन से हमने क्लास ऐड किया हुआ है। तो ये अपना लेआउट तैयार हो गया,
एट द एंड मैं क्या करूँगा कि स्क्रिप्ट फाइल भी जावा स्क्रिप्ट की फाइल को मैं ऐड कर लेता हूँ ताकि बाद में हम भूल ना जाए। भूलने से क्या होगा कि मैं कोड तो लिख रहा हूँगा लेकिन चेंजेस वहाँ पे शो नहीं होंगे, तो मुझे परेशानी होगी कि मैं जो कोड लिख रहा हूँ मुझे दिख क्यों नहीं रहा। तो आप भी ऐसे ही करें, जो भी फाइल आपको एट द एंड अल्टीमेटली आपको ऐड करनी है आप वेरी स्टार्टिंग ऐड कर लें। तो मैंने तो कोड तो लिख लिया दोस्तों, अब यहाँ पे मैं आपको ले चलता हूँ और लाइव रन करके मैं दिखाता हूँ कि किस प्रकार अभी का लेआउट हमारा है। अभी का लेआउट ऐसा है बट अपन ये बनाने वाले हैं। तो इस ऐसी एप्लीकेशन बनाने के लिए क्या होगी, इसमें CSS ऐड है और अभी जो मैंने बनाया है इसमें CSS ऐड नहीं है, तो CSS ऐड करता हूँ मैं फटाफट से। तो मैं ऐसा करता हूँ दोस्तों, यहाँ पे आता हूँ मैं और इसको मैं मिनिमाइज़ किया, मैं पैरेलली आपको दिखाता जाऊँगा कि क्या चेंजेस आते जा रहे हैं, है ना। ऑल राइट, वेरी गुड। अब मैं आपको CSS फाइल में ले चलता हूँ। आईडी मैंने आपको बताया कि इसकी आईडी क्या है, कंटेनर। ये मेन डिव होने वाला है जिसकी आईडी क्या है, कंटेनर। तो इसमें अपन स्टाइल ऐड करेंगे। उससे पहले क्या करते हैं, बॉडी में स्टाइलिंग लगाते हैं। इसकी स्टाइलिंग क्या होगी, फॉन्ट फैमिली अपन लगा देते हैं। फॉन्ट फैमिली इसकी क्या होने वाली, एरियल। एरियल ठीक है, मैं लिखता हूँ एरियल सेंस सेरिफ, ठीक है, बस सेरिफ सेंस सेरिफ, दैट्स इट। एंड उसके बाद साथ ही साथ मैं सेव भी करता जाऊंगा ताकि आपको क्लियरली दिखता जाए। एक कंटेनर अपने पास, एक हमने क्लास ऐड की है, तो कंटेनर के लिए मैं क्या करूँगा, मैक्स्ड विथ ले जाता हूँ 600 पिक्सल, है ना, उस कंटेनर के। अब मार्जिन में डालता हूँ 0 पिक्सल, ठीक है। एंड पैडिंग क्या होने वाला है, पैडिंग मीन्स कि ये जो मेन कंटेनर है उसके अंदर की जो स्पेसिंग है वो 20 पिक्सल चारों ओर से हो जाए, लेफ्ट राइट टॉप एंड बॉटम। टेक्स्ट लाइन क्या होने वाला है दोस्तों, तो सेंटर होने वाला है। अब मैं सेव करता हूँ और देख लो आप, ये जो एप्लीकेशन के डिज़ाइन है, लेआउट है, ये सेंटर में आ गया है। चलो ठीक है, हमने इसको डिज़ाइन कर लिया। अब अपने पास एक H1 टैग है ना, H1 टैग की स्टाइलिंग अपन ऐड करते हैं। इसमें मैं मार्जिन बॉटम लगाता हूँ बस, ताकि उस टेक्स्ट के और इस जो नंबर्स हो रहे हैं उसके बीच में कुछ मार्जिन बॉटम आ जाए। वो क्या होने वाला है, तो 20 पिक्सल, दैट्स इट, देख लो। ऑल राइट, अब अपने पास एक दूसरा डिव और भी है। एक डिव क्या है, ये वाली जो डिव है इसकी क्लास क्या है दोस्तों, तो काउंटर है। तो अब काउंटर पे अपन स्टाइलिंग ऐड करते हैं। तो डॉट काउंटर लिखते हैं और यहाँ पे क्या होने वाली है, तो डिस्प्ले लिखूंगा मैं, यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स करूँगा। इससे क्या होगा, एक सीरीज में अपन चीज़ों को ले आ पाएंगे। और फ्लेक्स डायरेक्शन क्या होने वाला है, कॉलम होने वाला है। एंड देन अलाइन आइटम्स को सेंटर कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं जैसे सेव करूँगा आपको लेआउट दिख गया, अभी चेंजेस कुछ नहीं हुआ। अब मैं ले चलता हूँ आपको, एक अपने पास क्या है, काउंट। ये स्पैन है अपने पास काउंट, मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी। ये आईडी है, ये स्पैन आईडी है, स्पैन की आईडी है काउंट। इसमें मैं अभी स्टाइलिंग मैंने ऐड की है, स्टाइलिंग इसकी स्टाइलिंग क्या होने वाली, तो फॉन्ट साइज इसमें लगाऊंगा। फॉन्ट साइज क्या होने वाला है दोस्तों, तो 4rem। आपको पता ही होगा कि किस टाइप की प्रॉपर्टी की वैल्यू किस तरीके से यूज़ करते हैं। मार्जिन बॉटम मैं डालता हूँ, इसमें 20 पिक्सल होने वाला है, ठीक है, दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो ये जो वैल्यू है, ये इसकी साइज़ थोड़ी सी बढ़ गई है ताकि अपन करने को क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। अब अपने पास क्या है, बटन्स हैं दोस्तों, बटन्स हैं, ठीक है, बटन्स। हमने अपने पास एक और आइडिया है बटन्स, मैं आपको अगर ले जाऊँ HTML फाइल में तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि ये बटन्स डिव है। इसके लिए भी अपन स्टाइलिंग ऐड करेंगे ताकि वो खूबसूरत सा दिख जाए और एक सीरीज में अपने को दिखे। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, तो डिस्प्ले लगाता हूँ इसके लिए भी, और डिस्प्ले अभी के लिए फ्लेक्स कर देता हूँ, दैट्स इट। अब जो मेन होने वाला है बटन के लिए होना है, कि बटन में बैकग्राउंड थोड़ी सी हो जाए कि ब्लू कलर दिख जाए। फॉन्ट साइज इसमें क्या डालूंगा दोस्तों, मैं तो फॉन्ट साइज डालता हूँ 2rem, ठीक है। एंड इसके बाद मार्जिन में डालता हूँ, मार्जिन क्या डालूंगा दोस्तों, तो 0 पिक्सल एंड 10 पिक्सल, ठीक है। तो ये शॉर्ट हैंड मैं यूज़ कर रहा हूँ। आप देख पा रहे होंगे कि बटन जो है इसकी विड्थ थोड़ी सी बढ़ गई है, मार्जिन में डाल दिया। पैडिंग में डालता हूँ, पैडिंग क्या होने वाला दोस्तों, तो 10 पिक्सल, ठीक है, 10 पिक्सल मैंने डाला। अब बॉर्डर मैं नन डालता हूँ कि इसमें जो बॉर्डर आपको दिख रही है बॉर्डर क्या हो, नन हो जाए। नन से क्या होगा दोस्तों कि ये लाइन जो दिख रही है अपने को, वो लाइन नहीं दिख रही है, आप लाइन गैप हो गई है। अब क्या है अपने पास, बॉर्डर रेडियस डालता हूँ ताकि ये थोड़ा सा कर्व दिखे, है ना, बॉर्डर रेडियस, ठीक है। बॉर्डर रेडियस क्या होने वाला दोस्तों, तो 5 पिक्सल, ऑल राइट, ठीक है। उसके बाद मैं इसको सेव करता हूँ, बॉर्डर रेडियस अपने पास आ गया। ये जो लाइन है ना दोस्तों, ये ऑटोमेटिकली आ रहा है, इसको आप इरेज भी कर सकते हो और उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बैकग्राउंड कलर अपने को चूज़ करना है, बैकग्राउंड कलर क्या होने वाला दोस्तों, तो 00
7BFF, ये कलर जो मैं आपको डेमो ऐप मैंने आपको दिखाया कि ये कलर सिमिलर कलर मैंने यहाँ पे चूज किया है, तो आप देख पा रहे हो सिमिलर कलर हो गया है। लेकिन इस बटन का टेक्स्ट है, उसके टेक्स्ट को अपन चेंज करेंगे, वो उससे होगा कलर प्रॉपर्टी से हो जाएगा और वाइट लिखते हैं अपन यहाँ पे। अब मैं शिफ्ट करूँगा तो देखो ये सिमिलर सा हो गया है, ये जो यहाँ है टेक्स्ट एंड एवरीथिंग वो हो गया। अब इसमें मैंने कुछ और इफेक्ट्स भी हैं। अब मैं यहाँ पे कर्सर लगा देता हूँ जो कि पॉइंटर हो गया। जैसे ही मैं इस बटन पे ले जाऊँगा, होवर करूँगा, तो क्या होगा कि ये कर्सर पॉइंटर में बदल जाता है, ऐसे इस पर होवर करने पर नहीं हो रहा है। अब मैं क्या करूँगा, बटन होवर एक इफेक्ट लगाऊंगा इस पर, बटन डॉट होवर, ठीक है। बटन होवर क्या होने वाला है दोस्तों, तो बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा चेंज करेगा, वो किस में कन्वर्ट कर देगा ये, तो 0069D9, दैट्स इट। अगर मैं यहाँ ले जाऊँ तो देखो कलर थोड़ा सा चेंज हो रहा है, आप देख पा रहे होंगे, फील कर पा रहे होंगे। तो अभी तो बटन पे क्लिक करने पे कुछ भी नहीं हो रहा, तो इसके लिए अपने को क्या कर, देखो मैंने डिज़ाइन तैयार कर दिया है, स्टाइलिंग भी ऐड कर दिया और एप्लीकेशन बढ़िया दिख रहा है। अब अपना काम क्या होने वाला है दोस्तों, कि बटन पे क्लिक करने पे कुछ फंक्शनैलिटी अपने को ऐड करनी होगी, इवेंट लिस्ट लगाना होगा। तो इस चीज़ को कैसे करेंगे, तो हमने जावास्क्रिप्ट की फाइल तो ऐड कर ली है, और इस बटन पे क्लिक होने पे क्या कर रहे हैं दोस्तों अपन, ये इंक्रीमेंट फंक्शन को कॉल करें। अगर प्लस बटन पे क्लिक करें, डिक्रीमेंट फंक्शन को कॉल करें जब माइनस बटन पे क्लिक कर रहे हैं, तो क्लिक तो कर रहे हैं लेकिन अभी हमारे पास वो फंक्शन नहीं है जावास्क्रिप्ट फाइल में। अगर आपको ले चलूँ तो अभी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट फंक्शन नहीं है, तो इस चीज़ को अपन करते हैं। उससे पहले मैं क्या करूँगा कि एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा जहाँ पे जीरो इनिशियलाइज कर देता हूँ, कि अभी के लिए शुरुआती वैल्यू क्या है इसकी, जीरो है। अब जब मैं बदलूँगा वो तो किस तरीके से बदलूँगा, अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, ये जो टेक्स्ट है ये जीरो है, इसको मैं गेट करूँगा और इसकी वैल्यू इस पर क्लिक करने पर डायनेमिकली चेंज करूँगा। उसके लिए क्या करूँगा, काउंट एक्सपेंड करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर लिया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी। अब वो मैं कौन सी आई डी ले रहा हूँ मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये जीरो जो वैल्यू है ये स्पैन टैग में है, और इसकी आई डी क्या है, काउंट है। तो यहाँ से मैंने काउंट को कॉपी कर लिया और इसमें पेस्ट कर दिया, और मैं क्या कर रहा हूँ, दैट्स इट, मैंने यहाँ के इस पर इसको गेट कर लिया। अब क्या है दोस्तों, कि यहाँ पे मैंने इस फंक्शन इंक्रीमेंट फंक्शन को कॉल किया है, तो भाई अपने को ये फंक्शन तो डिक्लेयर करना होगा ना, तो यहाँ पे अपन सिंपली वही काम करने वाले हैं। एक लिखेंगे, फंक्शन को डिक्लेयर करने का तरीका बहुत ही सिंपल होता है, फंक्शन का नाम एंड देन ये पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस। यहाँ पे काम क्या होगा, जब काउंट बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो काउंट प्लस प्लस कर दो, ये जो बट यहाँ पे वैल्यू जीरो हमारे पास है उसकी वैल्यू को बढ़ा दो, और जे वैल्यू को बढ़ाने के बाद क्या करो दोस्तों, तो इस काउंट स्पैन के इनर टेक्स्ट को भी बदलो। अब इनर टेक्स्ट बदल के क्या हो जाने वाला है, डॉट टेक्स्ट कंटेंट क्या करने वाले हैं, तो काउंट की जो करंट वैल्यू चल रही है वो हो जाएगी। अगर मैं अभी प्लस पे क्लिक करके दिखाऊं तो देखो प्लस तो हो रहा है बट माइनस काम नहीं कर रहा, माइनस के लिए भी अपन फंक्शन लिखेंगे। तो हो क्या रहा है एक्चुअली, जब इस बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो अपने पास ये क्या है, ये इंक्रीमेंट फंक्शन कॉल हो रहा है। इंक्रीमेंट फंक्शन को जैसे ही कॉल करेगा तो लेट से अपने पास आई की करंट वैल्यू जीरो है, तो जीरो कॉल होने के बाद क्या होगा, काउंट को प्लस प्लस कर देगा, तो आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करके वन कर देगा, और ये जो काउंट स्पैन है हमने जो गेट किया है ये टेक्स्ट यहाँ पर, इसके टेक्स्ट कंटेंट को चेंज करके जो काउंट की करंट वैल्यू चल रही है हमने वन लिखा है तो वन हो जाएगा, फिर प्लस कर दिया तो फिर से काउंट की वैल्यू को प्लस हो जाएगी और काउंट की वैल्यू टू हो जाएगी, इस तरीके से वर्क कर रहा है। अब ले चलता हूँ मैं फिर से एक फंक्शन डिक्लेयर करूँगा, डिक्रीमेंट के लिए भी अपने पास फंक्शन है, तो मैं टाइपोज टाइप एरर को जो टाइपिंग मिस्टेक नहीं करना चाहता मैं, इसलिए मैं यहाँ पे कॉपी कर लिया, यहाँ पे पेस्ट किया, और एंड देन यहाँ पे बस थोड़ी सी एक कंडीशन लगाएंगे कि अगर काउंट की वैल्यू जीरो से अगर ग्रेटर है भाई, तभी आप क्या करो, काउंट की वैल्यू को डिक्रीज करो, है ना, काउंट माइनस माइनस करो, नहीं तो नहीं करो, है ना, क्योंकि जीरो से नीचे अपन नहीं जाना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पे हमने कंडीशन ऐड किया। और फिर से क्या कर दो, काउंट स्पैन एंड देन डॉट टेक्स्ट कंटेंट, और उसकी वैल्यू क्या कर दो, तो काउंट की जो करंट वैल्यू चल रही है वो ऐड कर दो, दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं। अभी मैं देखो प्लस 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 कर रहा हूँ, 5-6 पे गया, मैं एक बार क्लिक किया 9 आ गया, फिर 8-7 मैं करते जा रहा हूँ, अब मैं 0 पे आ गया, 0 के बाद भी क्लिक कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, वैल्यू 0 ही है, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाया हुआ है कि भाई 0 से नीचे क्यों जाना है, अपने को माइनस वैल्यू नहीं चाहिए। अगर मैं ये इस कंडीशन को हटा दूँ तो क्या होने वाला है, देखो उस चीज़ को आप ध्यान से गौर से देखो क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे प्लस प्लस कर दिया, माइनस पे क्लिक करते जाओ, देखो वैल्यू माइनस में अपने को दिख रही है। तो कंडीशन हमने इसलिए लगाया था कि कंडीशन लगाने से अपने को फायदा क्या होगा, कि पॉजिटिव वैल्यू अपने को शो होती रहेगी। अभी मैं प्लस पे क्लिक कर रहा हूँ, माइनस पे क्लिक कर रहा हूँ, यही है। तो यही था हम लोग का मोटो आज के इस इंटायर वीडियो का मोटो, यही था कि अपन एक डिज़ाइन करें काउंटर एप्लीकेशन, और जिससे अपने को ये चीज़ दिख जाए। अब मैं आपको ले जाना चाहूँगा उस प्लेलिस्ट पर, जहाँ पर मैं आपको दिखाऊँगा
कि मैंने कौन कौन से एप्लीकेशन अभी तक ऐड कर रखे हैं, और फिर मैं आपको बताऊंगा कोड सीक्रेट। ठीक है, मैंने यहाँ पे खोल लिया, ओपन कर लिया, और ये चैनल है मेरा कोड सीक्रेट, और ये प्लेलिस्ट है दोस्तों। इस प्लेलिस्ट में मैंने ये जो प्लेलिस्ट है बेसिकली, यहाँ पर मैंने वेरी स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन टू दिस प्लेलिस्ट से मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स मैंने ऐड किया है। आप जरूरी चेकआउट करो, आपके अलग अलग फंक्शनैलिटी एलिमेंट्स एंड एवरीथिंग आप समझ पाओगे, कुछ ना कुछ नई चीज़ यहाँ से सीख के जाने वाले हो। एट द वेरी एंड मैंने यहाँ पे किया था कि कॉपी टू क्लिपबोर्ड किस तरीके से, मैं जितने भी प्रोजेक्ट्स ऐड कर रहा हूँ काइंड ऑफ रियल लाइफ प्रोजेक्ट है, और जब आप रियल लाइफ प्रोजेक्ट बनाते हो ना तो अलग अलग चीज़ें आपको यूज़ करनी पड़ती हैं, सेम रिपीटेड चीज़ नहीं करते हो। जैसे आज मैंने फंक्शन लगाया, फंक्शन कॉल करने के बाद इफ़ कंडीशन लगाया कि भाई मेरे को जीरो से नीचे नहीं जाना है, तो मैंने इस तरीके से उस चीज़ को टैकल किया। तो आप इस प्लेलिस्ट का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से ज़रूरी चेकआउट कर लेना। तो आई होप आपको ये प्रोजेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, आप समझ भी पाए होंगे। देखो इंटरेस्टिंग लगा हो या ना उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर आपने जो मेरा एक्सप्लेनेशन उसको समझा ये बहुत बड़ी बात है। आप उस चीज़ को कुछ ना कुछ सीख के जा रहे हो कि किस तरीके से मैं क्या टेक्स्ट कंटेंट को चेंज कर रहा हूँ, है ना। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं टेक्स्ट कंटेंट को चेंज कर रहा हूँ और वैल्यू को डायनेमिकली वहाँ पे शो कर रहा हूँ, दैट्स इट। बहुत ही सिंपल सी एप्लीकेशन थी और मैंने कम टाइम में आपको समझाया है। मैं ज़्यादा वीडियो को बड़ी नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने एक छोटी सी एप्लीकेशन मैंने सोचा कि डिज़ाइन करके मैं दिखाऊं। और ये कॉमन एप्लीकेशन है, काउंटर एप्लीकेशन, इसलिए आपको पता होना ही चाहिए किस तरीके से करते हैं। वैसे तो बेसिकली ये रिएक्ट में भी आप जाओगे तो सेम एग्जांपल करोगे, लेकिन आपके पास लॉजिक रहेगा तभी तो कर पाओगे। तो यही था दोस्तों आज के इस वीडियो में, हम लोगों ने ये सीखा कि काउंटर एप्लीकेशन कैसे डिज़ाइन करते हैं। तो और मैं ये भी होप करता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि आपने अभी अगर टिल द एंड आपने इस वीडियो को देखा है तो मेरे इस वीडियो को दोस्तों लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें, और आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दें। आप जब मेरे इस चैनल को चेकआउट करोगे तो बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, शॉर्ट्स, सी प्रोग्रामिंग, जावा स्क्रिप्ट, प्रोजेक्ट्स एंड एवरीथिंग। तो आप ज़रूरी चेकआउट करो और इस जितने भी वीडियोज़ हैं उसे देख डालो। थैंक यू सो मच गाइज, सी यू नेक्स्ट टाइम।